महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने शिंदे सरकार के मराठा आरक्षण के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अहमदनगर में एक रैली में कहा, मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मैंने 16 नवंबर 2023 को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। वजह ये थी कि सरकार ने ओबीसी कोटे में मराठाओं को पिछले दरवाजे से एंट्री दी थी। भुजबल ने यह भी कहा कि मैं इस्तीफे को लेकर 2 महीने से चुप रहा क्योंकि सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम ने इस बारे में बोलने से मना किया था। मैं मराठा आरक्षण का विरोधी नहीं हूं, लेकिन राज्य में जो ओबीसी कोटा है उसे मराठा के साथ शेयर करने के खिलाफ हूं। दरअसल 27 जनवरी 2024 को सीएम शिंदे ने मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे की मांगे मान ली थी। इसके साथ ही मराठाओं को ओबीसी कोटे में शामिल कर उन्हें आरक्षण देने का ऐलान किया था। भुजबल इसके विरोध में थे। इसके बाद शिंदे सरकार में बीजेपी के मंत्री राधा कृष्ण विखे पाटिल ने भुजबल से इस्तीफे की मांग की थी। इसे लेकर भुजबल ने कहा, मुझे बर्खास्त करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस्तीफा दे चुका हूं और ओबीसी के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। राज्य में ओबीसी की जनसंख्या 54% से 60% है, फिर भी विधायकों और सांसदों को मराठा वोट खोने का डर लग रहा है। शिंदे सरकार के मराठा आरक्षण की मांग को मानने के बाद छगन भुजबल ने 29 जनवरी को कहा था, ओबीसी समाज से मुंह का निवाला खींचने की कोशिश की जा रही है। ओबीसी आयोग अब मराठा आयोग हो गया है। मराठा समुदाय के लिए जो अधिसूचना जारी की गई है उसे रद्द किया जाना चाहिए। मामला बिगड़ता देख 29 जनवरी को ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय नहीं होगा, मैं भुजबल से बात करूंगा, वे अपनी आपत्ति दर्ज करवाएं। अगर ओबीसी समुदाय के साथ कहीं भी अन्याय होता होगा तो उसमें सुधार किया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने भी शिंदे सरकार के इस फैसले का विरोध जताया था। नारायण राणे ने कहा, मैं मराठा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार के लिए गए फैसले से सहमत नहीं हूं। इससे राज्य में असंतोष पैदा होगा क्योंकि मराठा समुदाय, जिसकी एक ऐतिहासिक परंपरा है, का सफाया कर दिया जाएगा और अन्य पिछड़े समुदायों पर अतिक्रमण किया जाएगा। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया को बताया कि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्पष्टीकरण दे पाएंगे, लेकिन मैं अभी केवल इतना ही कह सकता हूं कि छगन भुजबल का इस्तीफा मुख्यमंत्री ने स्वीकार नहीं किया है।